नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपके जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए, 100% आपकी लाइफ। जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का एक विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस तिथि के दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग स्वर्ण आभूषण की खरीदारी भी करते हैं। इस दिन सोने की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के मुताबिक ये पर्व प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक इस साल के अक्षय तृतीया के दिन कई अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे कई गुना फल की प्राप्ति हम सबको हो सकती है। इस वर्ष ये पर्व 10 मई को है, तो तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:20 से होगी और रात्रि 2:50 तक रहेगी। तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया को एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार स्टार्ट करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया, देखिए अक्षय का मतलब क्या है, एक ऐसी अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, अक्षय मतलब जो हमेशा चीज़ बनी रहे। तो आज के दिन कोई भी अच्छा काम शुरू करना यानी कि आपके लिए वो काम लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, ऐसा माना जाता है। तो अक्षय तृतीया पर किसी अच्छे काम को करना बहुत उत्तम है, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि अगर आपसे जाने अनजाने भी कोई भूल चूक हो जाती है तो उसका भी कहते ना क्षय नहीं होगा, वो आपके साथ बना ही रहेगा कर्म। तो अक्षय तृतीया पर कोशिश करिए कि जितना हो सके आप अच्छे कर्म को करिए, जितना हो सके आप दान पुण्य करिए, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। तो आइए जानें कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, क्योंकि बहुत सारे महत्व भी बताए गए हैं अक्षय तृतीया को लेकर। अक्षय तृतीया पर बहुत सारे शुभ काम भी हो रखे हैं, जैसे आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसीलिए परशुराम जी की भी पूजा अक्षय तृतीया पर की जाती है। परशुराम जी की पूजा करने का कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि क्या करना है। अगर आपके घर में परशुराम जी की मूर्ति है या फिर फोटो फ्रेम है तो आप उसको भी रखकर, जैसे आप प्रभु श्रीहरि विष्णु का पूजन करते हैं उसी प्रकार परशुराम जी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा का जो जन्म है वो भी आज ही के दिन हुआ था। माँ गंगा का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा द्रौपदी को चीरहरण से कृष्ण जी ने आज ही के दिन बचाया था। कुबेर जी को भी आज ही के दिन में खजाना मिला था। इसके अलावा सतयुग और त्रेता युग का जो प्रारब्ध है वो आज ही के दिन हुआ था। कृष्ण और सुदामा का मिलन भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्री नारायण के जो कपाट है आज ही के दिन वो खोले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आज ही के दिन जिनका शुरुआत
हुआ था। इसके अलावा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। साल भर उनके चरणों को ढका वस्त्र से ढक दिया जाता है, लेकिन आज ही के दिन ही उनके चरणों के हम दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए हर जगह प्रभु श्री हरि विष्णु का वास है, कण कण में भगवान का वास है, लेकिन आप सिर्फ ये सोच के कि आज ही के दिन चरणों के दर्शन होंगे, आप मंदिर जाएं जबरदस्ती जाएं, ऐसा मत करिएगा। छोटे छोटे बच्चों को लेके आप इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब जाते हैं, बच्चों को भी परेशानी होती है, आपको भी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया पर ही आप दर्शन करने जाएंगे तो ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रभु का धाम है, वो तो ठाकुर जी का धाम है। आप जब पहुंच जाएंगे ठाकुर जी आपको तब वहां पे ज़रूर मिलेंगे। बस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में थोड़ा सा भी जाना आप लोग अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, चरणों के दर्शन आज होते हैं माना, लेकिन प्रभु श्री हरि विष्णु ठाकुर जी का वास तो वहाँ पर सदैव से ही है। इसके अलावा महाभारत का युद्ध जो है वो आज ही के दिन समाप्त हुआ था। हमारे पुराणों के अनुसार इसी दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान दान जप करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल कभी भी क्षय नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता। इसे सत्युग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसीलिए इसे कृत युगादि तिथि भी कहते हैं। बहुत खास है ये दिन। दीन दुखियों को वस्त्र दान करना, उनकी सेवा करना, शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी, हमें महत्व बताया गया है। कहीं ना कहीं अक्षय तृतीया पर आप अपने लिए कुछ भी खरीदें, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर खरीदेगा जो किसी और के काम ज़रूर आ सके। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति आपको ज़रूर होती है। अब इस पर से कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगला जन्म किसने देखा है? जी हाँ, मत देखिए अगला जन्म, क्योंकि हम जिस कलयुग में हैं ना, आपको अपने पाप और पुण्य का फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये भी आपके कर्म इकट्ठे हो रहे हैं आपके धन कोष की तरह। जैसे आपके बैंक में बैलेंस अकाउंट बढ़ता जा रहा है ना, उसी तरह ये आपके अच्छे कर्मों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो जब आपके अच्छे कर्मों की लिस्ट बढ़ जाएगी, बुरे कर्मों की लिस्ट कम हो जाएगी, तो आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको दिखने लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें एक चीज़ का दान करते हैं और फिर सोचते हैं प्रभु क्या देंगे हमें। दिक्कत तो यही है, अगर किसी ज्योतिष ने कोई उपाय बताया करने के लिए, तो करने से शुरू कर, मतलब जैसे ही हम उसको शुरू करते हैं ना, तो बस हमारे दिमाग में एक चीज़ घूमती है, अब कब ऐसा होगा, अब कब ऐसा होगा, उन्होंने कहा था ये उपाय करने से नौकरी लगेगी, अब कब लगेगी, 40 दिन तो हो गए, अब कब होगा। अगर आपको एक उपाय 40 दिन के लिए बोला है, तो कम से कम 60 दिन का सब्र लेकर चलिए साथ में, क्योंकि 40 दिन आपकी मेहनत है और 20 दिन वो प्रभु श्री हरि विष्णु ठाकुर जी आपको जो आशीर्वाद देने वाले हैं ना, आपका सब्र देख के, आपकी मेहनत को देख के, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, सत्तू, फल, पंखा, है ना, इन चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो आप उनको हाथ वाला पंखा दान ज़रूर करिए। आप उनको फल, जो ऋतु फल हैं, जो आजकल इस मौसम के फल हैं, उनको दान ज़रूर करिए। पानी की सुराही आप दान कर सकते हैं। ऐसी ठंडी चीज़ों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वस्त्र का दान कर सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए, दान कभी भी खाली नहीं जाता, इसलिए दान ज़रूर करिए। अपने लिए कुछ खरीदे ना खरीदे, लेकिन दान ज़रूर करिए, क्योंकि जाने अनजाने किया हुआ दान भी आपके पापों का जो बोझ होता है उसको हल्का करता है और पुण्य की पूंजी को बढ़ाता है। अक्षय तृतीया के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है, जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन है, तो ऐसे में हम सबको किन किन चीज़ों का दान करना है,
और क्या क्या चीज़ें अपने लिए आपको खरीद कर ज़रूर लानी है, आइए जानते हैं। आप सोना चांदी खरीद पाएँ या ना खरीद पाएँ कोई बात नहीं, अगर खरीद सकते हैं तो आप ज़रूर खरीदिए, नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप सफ़ेद रंग की कौड़ियाँ ज़रूर खरीद कर लाइए अपने घर में, सफ़ेद रंग की कौड़ी खरीद कर इनको अपने घर में स्थापित करके रखिए। इसके अलावा आप शुक्रवार का दिन है, थोड़े से चावल सफ़ेद वाले वो ज़रूर खरीद कर लाइए, आप 5 किलो या 10 किलो चावल ज़रूर खरीद कर लाइए। और ऐसा नहीं है कि इनको लाके स्टोर करके रख लेना, आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप चावल खरीद के लाइए, आप इनको यूज़ करिए, चावलों की खीर बनाइए, आज के दिन शाम के समय खीर बना के माता रानी को भोग लगाइए, भोग लगाने के बाद में प्रभु श्री विष्णु को भोग लगाने के बाद में आप पूरे घर में इस प्रसाद को बांटिए। ऐसा करने से आपके घर में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ता है, प्यार की भावना बढ़ती है। इसके अलावा आप किसी भी फल का दान ज़रूर करिए आज के दिन, क्योंकि मैंने कहा ना अपने लिए तो जो किया सो किया, लेकिन आज का दिन दान के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो किसी भी अनाज का दान अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, कुछ नहीं तो थोड़े से चावल 1 किलो 2 किलो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चावल लेकर आप चावल का दान किसी भी गरीब मजदूर को ज़रूर करिए। आपको माता लक्ष्मी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप आज अच्छे दिल से दान करते हैं। और जो लोग अपनी ईयरली रेमेडीज़ मुझसे लेकर कर रहे हैं तो आपकी रेमेडीज़ में जो आपको दान की चीज़ें बताई गई हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आज के दिन दान ज़रूर करिए। जो भी आपको दान बोला गया है वो आपके ग्रहों के अनुसार का दान है तो उसको आज के दिन ज़रूर रिपीट करिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दान आपको अगर शनिवार को करने को बोला है या सोमवार को करने को बोला है, लेकिन आज के दिन आप उस दान को रिपीट करके ज़रूर करिएगा। अब क्या करना है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज क्योंकि शुक्रवार है और अक्षय तृतीया है तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी का दीपक, लक्ष्मी दीपक हमें ज़रूर जलाना है। लक्ष्मी दीपक कैसे जलाना है, देखिए लक्ष्मी दीपक घर के मंदिर में सुबह आपको जलाना है और तुलसी के पौधे के नीचे आपको ये लक्ष्मी दीपक शाम के समय जलाना है। आइए बताती हूँ कैसे। आपने एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें घी गाय का हो तो बहुत उत्तम, और एक कांच की कटोरी में थोड़ी सी चीनी भर के रख लेनी है। अब आपने उस चीनी के ऊपर इस मिट्टी के दीपक को रख के जलाना है। जब दीपक पूरा जल जाएगा उसके बाद ये चीनी, आप आधी चीनी घर में प्रसाद रूप में वितरण करिएगा और आधी चीनी आपने पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है। ये जो दीपक मैं आपको जलाने के लिए बोल रही हूँ ना, ये दीपक आपको सुबह के समय अपने घर के मंदिर में प्रभु श्री विष्णु माता लक्ष्मी के सामने जलाना है, ठीक है। शाम के समय सेम इसी तरीके का आप एक और दीपक जलाएंगे, ठीक इसी तरह कांच की कटोरी में चीनी भर के रखेंगे और मिट्टी के दीपक में गाय का घी मिलाकर दिया जलाएंगे। और दिया जलाने के बाद में अगले दिन आप क्या करेंगे, ये तुलसी के पौधे के नीचे ही रखकर आपने शाम के समय जलाना है। अगले दिन आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन आपने ये पूरी की पूरी चीनी एज इट इज़ कटोरी समेत किसी भी गरीब मजदूर को दान दे देनी है। बस इतना सा करके देखिए, अक्षय तृतीया का आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपसे जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, ये जो अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है ना ये बेहद ही खास है। आप अपने लिए कुछ खरीदे ना खरीदे लेकिन समय निकालकर आज के दिन आप दान ज़रूर करिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आज के दिन किया हुआ दान वो दान है जो कभी भी आपका खाली नहीं जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी इस एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाना आपके हाथ में है। तो मेरी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। जय माता दी।